मार्केट में काफी सारे नए फोन आ गए हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो पिछले कुछ ही टाइम में काफी अच्छे अच्छे फोन लॉन्च किए गए हैं। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट फोन था Redmi Note 7 Pro, काफी अच्छा फोन था। उसकी वीडियो मैंने वैसे बनाई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसी को कम्पीट करने के लिए आ गया है आपका ये Oppo F11 Pro, क्योंकि उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और इसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। इस फोन में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस फोन की प्राइस क्या होने वाली है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Oppo F11 Pro की डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है वो 6.5 इंच की फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नॉच नहीं देखने को मिलने वाली है, बिना नॉच के साथ आएगा। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इसमें 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, मतलब आपको बेसिस बहुत ही कम देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ही आपका प्रोटेक्शन की बात करूं तो ये आपका गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका फोन टूटने नहीं वाला है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी को बजा डालो, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। बात कर लेते हैं हम लोग इसकी रैम और रोम के बारे में, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि Oppo F11 Pro एक ही वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, वो होगा आपका 6GB, 6GB 64GB के साथ आएगा। प्लस इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलेगा, मतलब आपको ये फोन एक ही वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको पता है कि जितने भी फोन लॉन्च होते हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रीन बड़ी होती है सारे फोन में, क्योंकि अब जो स्क्रीन वाले फोन आते हैं उनमें 6 इंच की डिस्प्ले तो आती ही आती है, उससे ऊपर ही आती है, कम नहीं आती, आपको ये पता है। तो स्क्रीन की वजह से आपको सारे फोन्स में कहीं ना कहीं बैटरी भी बड़ी देखने को मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फोन में भी आपको बैटरी 4000 mAh की देखने को मिलने वाली है, और ये भी फोन आपका फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा। फोन में अगर सारा कुछ अच्छा होता है लेकिन फिर भी सारे लोग कहीं ना कहीं एक चीज को जरूर देखते हैं, वो है उसका मेन पार्ट प्रोसेसर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर फोन अच्छा है सारा कुछ और उसका प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो उस फोन को आप अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेन पार्ट होता है फोन का उसका होता है प्रोसेसर। तो इसमें आपको MediaTek का Helio वाला P70 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। Helio का P70 प्रोसेसर काफी अच्छा प्रोसेसर है, अगर इसको हम क्वालकॉम के साथ कंपैरिजन करते हैं तो 660 के या 675 के आसपास बनता है। तो ये प्रोसेसर आपको बताए अच्छा प्रोसेसर है। मैंने पबजी को भी Helio के P70 में खेला है, पबजी बिल्कुल लैग नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि Helio का P70 प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर है। बात करते हैं हम लोग इसकी सिक्योरिटी के बारे में, तो आपको इसमें बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप अपने चेहरे से भी इसको अनलॉक कर पाएंगे और अपनी उंगली से भी इसको अनलॉक कर पाएंगे, दोनों ही ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी है, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। बात कर लेते हैं इस फोन के सबसे हाईलाइट फीचर्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इसके कैमरे के बारे में। तो इसमें आपको दो कैमरे बैक में देखने को मिल जाते हैं और एक कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बैक कैमरे के बारे में। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया जो कि 1.7 एपर्चर के साथ आएगा, और जो दूसरा कैमरा दिया गया वो 5 मेगापिक्सल का आपको दूसरा कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि लो लाइट के साथ काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। मतलब क्या है कि आप अपने नाइट में भी काफी अच्छा फोटो ले पाएंगे, इसमें ये ऑप्शंस दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरे के बारे में। तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसे आप राइजिंग कैमरा कहिए या पॉपअप कैमरा कहिए, दोनों ही सही है। कुछ लोग इसको पॉपअप कैमरा बोलते हैं और कुछ लोग इसको राइजिंग कैमरा बोलते हैं। जैसे ही आप इसको फ्रंट कैमरे को ओपन करेंगे तो अंदर से निकल के आता है आपका एक पॉपअप कैमरा, जो काफी सारे फोन्स में आया था। मैंने आपको बताया था कि Vivo का V15 Pro आया था, उसमें भी आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका भी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है,
काफी अच्छा फोन है Vivo का P50 Pro। फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग इसकी प्राइस के बारे में। तो मैंने आपको बताया है इसमें एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जो किया गया है 6GB 64GB के साथ। इसकी जो प्राइस है वो 24,990 रुपए है। प्राइस को लेकर के आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में। और आपके हिसाब से इस फोन में क्या क्या होना चाहिए और आपको इस फोन में क्या क्या चीजें अच्छी लगी है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी को दबा देना। मैं मिलता हूं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।